क्या आपको पता है ज़्यादातर लोगों को शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो खाना भी नहीं चाहते। तो आज आप रेस्टोरेंट स्टाइल ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी एक बार बना कर देंगे तो एक की जगह दो रोटियां ज़रूर खाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इसे नए वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हमें आधा कटोरी भरकर दही लिया है। मैंने यहाँ पर मैंने एकदम थिक वाली दही को यूज़ किया है। आप यहाँ पर थोड़ी सी पतली यूज़ करना चाहते हैं तो एक कटोरी दही को लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर इसमें मसाले डालिए। अब हमें यहाँ पर 1/4 टेबलस्पून के करीब हल्दी डालना है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। फिर मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाला है। अब हमें यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। फिर हमें यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालना है। फिर मैंने इन सारे मसालों को अच्छे से इस दही में इस तरह से फेंटना है, यानी कि मिक्स करना है अच्छे से। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमें यहाँ पर बीज निकाल कर 4 शिमला मिर्च को लेना है और इसके अंदर के बीज को निकाल कर इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में कट करना है। फिर मैंने यहाँ पर 2 प्याज को एकदम बड़े बड़े साइज़ में कट करके इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। सारे मसाले अच्छे से शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से लग जाने चाहिए, इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर इसके ऊपर प्लेट ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 15 मिनट से आधे घंटे बाद इसे यहाँ पर तड़का दिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें हमें डालना है 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब मैंने डाला है 1/4 टेबलस्पून के करीब हींग। हींग को आप ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही आएगा। अब मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच जीरा और एक प्याज को हमें एकदम बारीक से काट कर डालना है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया है। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से प्याज फ्राई होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को मैरिनेट करके रखा था इसे हमें डाल देना है और अच्छे से हमें मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट तक मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे अच्छे से मिक्स किया है। आपको यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसी तरह आपको गैस को रखना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। फिर से 3 से 4 मिनट बाद जिस बाउल में हमने मैरिनेट किया था उसी बाउल में हमें आधा कटोरी पानी डालकर इसमें डाल देना है और हमें यहाँ पर 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। 5 मिनट बाद फिर से हमें यहाँ पर ढक्कन निकाल कर फिर से हमें एक बार अच्छे से मिक्स करना है और फिर से हमें 5 मिनट तक अच्छे से इसे पकाना है। जब तक ये अच्छे से पानी कम नहीं हो जाता तब तक मैंने इसे पकाया है। ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है। अब मैंने यहाँ पर आधा कटोरी धनिया के पत्ती को डालना है और फिर हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। इसमें जो हमने पहले से ही नमक डाला था तो बिल्कुल भी अभी हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये रेस्टोरेंट स्टाइल शिमला मिर्च की सब्ज़ी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है और ये खाने के लिए भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।